आज हम लोग आए हैं विलियम जोन्स पिज़्ज़ा में। आज तो ना बहुत ज्यादा ही लेट से मॉर्निंग हुई है, बिकॉज क्या है कि लेट से मॉर्निंग इसलिए हुई, रात को ना थोड़ा हेयर ऑयल पिया था तो उसकी वजह से इतनी गहरी नींद आई ना कि मैं तो सो ही गई थी। तो अभी 9:30 बज गए हैं, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं रिधि खुरावा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हरिमधुल लाइफस्टाइल में। वैसे अभी मॉर्निंग तो नहीं कह सकते हैं, अभी आफ्टरनून हो गई है, बिकॉज आज का ब्लॉग मैंने बहुत ज्यादा लेट से स्टार्ट किया है। 12:40 हुई है, मैं बोल रही हूँ 12:40 हुई है और इसमें देखिए 1:15 हुई है। बिकॉज क्या है ना कि आज इसलिए इतना लेट से हो गया क्योंकि आज ना मेरी मॉर्निंग ही लेट से हुई थी। मैं 9:30 बजे फटाफट से जगी और उसके बाद फटाफट से फिर पूजा की, फिर सब कुछ काम किया। वैसे मुझे पूजा में थोड़ा ज्यादा टाइम चला गया था, तो पूजा करने के बाद फिर क्लीनिंग का काम लेके बैठ गई थी और अब जाके सब कुछ काम करके फ्री हुई और व्लॉग भी मैंने ऑफिस से स्टार्ट किया। और हाँ, दूसरी बात कि आज नानी के घर से लंच नहीं आने वाला है और मैं लंच घर पे भी नहीं बनाने वाली हूँ, बिकॉज हेमल घर पे ही नहीं है, हेमल गए हैं बाहर अपने काम से। सो हेमल दोपहर को घर पे नहीं होंगे, इसलिए दोपहर का लंच नहीं बनाना है, स्किप कर दिया है। और हेमल तो घर पे है ही नहीं, बट क्या है कि आज ना मुझे दवाइयां नहीं लेनी है तो चिंता नहीं है थोड़ी। वैसे पैर में पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो गया है, बट अभी भी ना थोड़ी सी सूजन है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे बर्फ घिसने को बोला है, तो बर्फ घिसती हूँ तो अच्छा हो जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद वापस से वहाँ पे वैसा ही हो जाता है, फिर बर्फ घिसती हूँ तो अच्छा हो जाता है। ऐसा पैर में भी चल रहा है, बट वो डॉक्टर ने बोला है कि थोड़े टाइम में वो अच्छी तरह से जो ब्लड है वो वहाँ पे जम गया है ना, वो प्रॉपर पहले जैसा हो जाएगा। बस ऐसे ही आप प्रोसेस स्टार्ट रखना। तो बस बर्फ घिसना है और जो वगैरह वो मलम वगैरह जो लिख के दिया था, दवाइयाँ लिख के दी थी, वो फिनिश हो गई है। सो वो लेने जाना है, कल तो मेडिकल क्लोज था, आज शाम को जाएंगे, बिकॉज शाम तक तो हेमल आ जाएंगे। हेमल ने बोला है कि 4-5 बजे तक वो वापस से घर पे अपना काम फिनिश करके आ जाएंगे, बट लंच करके आने वाले हैं, सो लंच मत बनाना, इसलिए लंच नहीं बनाना है। तो आज मेरी छुट्टी हो गई, बट अभी ना छुट्टी नहीं हुई है, मुझे दोपहर को इतना ज्यादा काम है ये कि मुझे ना मेरे रील्स वगैरह का जो कुछ भी एडिटिंग है, कितने दिनों से मैंने इंस्टा पे ना कोई अपडेट ही नहीं दिया है। पोस्ट वगैरह तो मैं ऐड करती रहती हूँ, बट रील्स मैंने ऐड ही नहीं की है। सो आज मैं मेरी पूरी रील्स का जो कुछ भी रील्स का एडिटिंग करने वाली हूँ, तो वो ढेर सारा काम है, तो बस एडिटिंग का काम लेके अभी बैठने वाली हूँ। और हाँ, दूसरी बात का अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे शो भी हो रहा है, तो आप लोग इस लिंक पे जाइए और मुझे हेरिमधुल लाइफस्टाइल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अभी हो गई है इवनिंग और आज सीधा इवनिंग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, बिकॉज हेमल ना बोले थे ऐसा कि 4-4:30 बजे आ जाऊंगा और आए सीधा 6 बजे। और मैं तो मेरे काम में इतना बिजी हो गई थी ना कि पता ही नहीं चला कि घड़ी कैसे घूम गई और शाम के 6 बज गए। और इतना रील्स वगैरह का जो कुछ भी एडिटिंग करना था ना, सारा काम करके मैंने रख दिया है और अभी हम दोनों यहाँ पे मस्त रेडी। अच्छी बात हुई ना, मैं 4-4:30 बजे बोला था, फिर बाद में तुम्हारा काम भी हो गया। वो तो आप आते तो भी मैं करने वाली थी। नहीं तब नहीं हो, और बातें करवाते हैं तो टाइम चला जाता है। और देखिए यहाँ पे हेमल भी रेडी हो गए हैं। सबसे पहले गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। चलिए रेडी तो हो गए हैं, अब कहाँ पे जाना है वो भी बता दीजिए, बिकॉज हेमल ने बोला कि शाम को हमें कहीं पे जाना है, रेडी हो जाना। तो मैं तो पूजा करने के बाद ना फटाफट से रेडी हो गई हूँ, बता दीजिए कहाँ पे जाना हो तो फटाफट से रेडी हो जाए, तो होना ही पड़ता है ना रेडी। तो कहाँ पे जाना है बता दीजिए। चलिए बता दू, यस हम लोग छोटी सी पार्टी में जा रहे हैं। ओके, छोटी सी पार्टी। यस, छोटी। वैसे मुझे पता है तो क्या? मुझे ना हेमल ने बता दिया था, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बिकॉज क्या है कि हेमल के फ्रेंड है वो ना हम लोगों को एक छोटी सी पार्टी दे रहे हैं। उसकी एंगेजमेंट हुई ना अभी, उसकी खुशी में वो पार्टी दे रहे हैं, बट वहाँ पे मैं बोला के हाँ आप लोग चलिए हमारे साथ, इसलिए उन्होंने बोला कि आप लोग हमारे साथ चलिए। वैसे भी इसी तरह से होता है ना, फ्रेंड्स होते हैं तो उसके साथ जाते हैं, डिनर करते हैं बाहर, तो अच्छा लगता है। बट क्या है ना कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं ना उन लोगों के साथ व्लॉगिंग नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज उनकी नई नई एंगेजमेंट हुई है, तो वो खुद भी वो कहते हैं ना कंफर्टेबल नहीं लगता है, और उसमें भी व्लॉगिंग ऐड करूंगी तो किसी को और कंफर्टेबल नहीं लगेगा, बट हम लोग व्लॉगिंग करेंगे। ठीक है, हाँ, वो तो बात सही। चलिए हम लोग जा रहे हैं, मतलब वैसे तो मैं आइडिया है कहाँ पे जाना है, वही अभी बोल रही थी कि मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे जाना है, फिर भी बोल रही हूँ कि डिनर करने। हमें क्या, हमें तो खाने से फायदा है, देखो हम तो फूडी ही है, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, वड़ा पाव चलेगा, उससे सस्ता क्या रोटला चलेगा। वो फूड, वो बाहर का फूड नहीं, डिनर करने जाना है ना। हाँ, पर डिनर में बाजरे का रोटला नहीं होता, उससे अच्छा है खिचड़ी खिला दीजिए। हाँ मुझे खिचड़ी चलेगा, बाजरी का रोटला अभी नहीं, यस कढ़ी नहीं, डूंगरी बटेटा का साग और खिचड़ी वो नहीं, इसीलिए ऐसा बोलिए। चलिए ना कहाँ पे जाना है जल्दी बता दीजिए, फिर चलते हैं। बता देता हूँ, हम लोग जाने वाले हैं पिज्जा पार्टी करने के लिए। यस बट कहाँ पे वो देखते हैं, अभी मैं कॉल करता हूँ। अच्छा बोला है कि कुछ आइडिया नहीं है। ओके वो भी डिसाइड करना है कि किस जगह पे जाए। पिज्जा पार्टी तो पक्का है ना, चलिए तो मस्त पिज्जा पार्टी करेंगे आज। चलिए तो अभी घर से चलते हैं। तो चलिए अभी हम लोग पहुंच गए हैं पिज्जा पार्टी करने के लिए, और आज हम लोग आए हैं विलियम जोन्स पिज्जा। और अभी हमने हेमल ने कॉल किया, आई थिंक वो लोग ऊपर आ गए हैं कि नहीं वो हमें नहीं पता है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा। नहीं आ गए, तुम्हें क्यों ऐसा लगा? अब पता नहीं, हो तो कहीं भी आए हो तो ऊपर वेट करेंगे, यहाँ पे बहुत आवाज है, एक बाइक का इतना आवाज। चलिए अब चलते हैं सीधा। चलिए तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं और हम लोगों ने ऑर्डर भी दे दिया है। सबसे पहले हमारा सूप आ रहा है अभी, गर्मा गर्म सा आ गया है यहाँ। हमारा मस्त सा गरम गरम मच्छा सूप आ गया है। तो यहाँ पे हेमल आ गए अपना डिजर्ट लेके, डिजर्ट नहीं सॉरी स्टार्टर लेके, तो सीधा डिजर्ट पे आ गए, स्टार्टर लेके आ गए हैं। और थोड़ा म्यूजिक वो कहते हैं बंद हुआ है ना, तो थोड़ी वॉइस मेरी आएगी बिकॉज सब लोग यहाँ पे तो होते हैं। देखिए यहाँ पे जरा सजा हुआ, पूरा सजा के लेके आए हैं। हाँ बट देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा इतना सब कुछ अभी चट करना है हमें। और हेमल आपने स्टार्टर में क्या क्या लिया है? सब अलग अलग चीज़ें हैं, और ये भी हेमल की प्लेट और सूप, और यहाँ पे है गोलगप्पे, और ये मेरा स्टार्टर मंचूरियन है। यस मंचूरियन है, यहाँ पे स्वीट कॉर्न है, व्हाइट सॉस वाला पास्ता है, सब अलग अलग। वाटरमेलन भी लेके आए हैं। चलिए तो अभी स्टार्टर हम लोग फिनिश करते हैं, और थोड़ा वॉइस कम आएगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा एक बात। चलिए स्टार्टर कंप्लीट, अभी हमारा पिज्जा आ गया है यहाँ पे मस्त। सबसे पहला कौन सा है भले, पिज्जा का फटाफट से स्टार्ट कर दिया, और गरम गरम से सर्व भी होने लगे हैं। सब पिज्जा एंजॉय कर रहे हैं। देखिए अभी दूसरा पिज्जा भी हमारा आ गया। वैसे कौन सा है? पॉप पिज्जा। क्या दिया मेरे लिए? सो अभी यहाँ पे हेमल का मोस्ट फेवरेट वाला पिज्जा आ गया है। स्पेशली हेमल ने बोल के मंगवाया है, वो है 7 चीज राइट ना। देखिए बोले 2 पीस मंगवा लिए हैं, मेरा तो एक ही है। ये हेमल को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बहुत ज़्यादा ना लोट सब चीज़ ही होता है पूरा का पूरा। नाम ही वैसा है, 7 चीज़, इसमें 7 प्रकार के चीज़ होते हैं। मैं ऐसा बोल रही हूँ, पता नहीं हो सच में। यम यमी सा हमारा डिजर्ट आ गया है। देखिए यहाँ पे मेरी आइसक्रीम, हेमल की ब्राउनी विथ आइसक्रीम, हेमल। हमारी पिज्जा पार्टी कंप्लीट हो गई है, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस घर पे। थोड़ा सा मुखवास खाने हेमल को तो कॉलेज स्टार्ट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कैमरा तो किया दे दीजिए थोड़ा सा। मुखवास तो चाहिए था, इतने दिन से दवाई या मुखवास की जैसे खाई है, तो थोड़ा मुखवास खा लेते हैं। चलिए चलते हैं। देखो मैं कब से आ गया था, ये स्लोली आ रही। बैठ के ऊपर बंधा गया। अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। और वैसे भी हमारे साथ और भी है कोई, तो ज़्यादा यहाँ पे बातें नहीं करते हैं अभी। चलिए घर जाके सीधा आप लोगों से मिलती हूँ, थोड़ा उन लोगों से भी बातें कर लेते हैं। पिज्जा पार्टी करके घर पे वापस से आ गए हैं, और क्या हुआ था ना कि सब लोग साथ में होते हैं तो थोड़ा टाइम उस बातें करने में भी चला गया, इसलिए ज्यादा वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। बट बहुत ज्यादा ही मजा आया, फुली एंजॉय किया। और उसके बाद भी हम लोग बाइक राइड पे गए थे तो वहाँ का मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज सब लोग साथ में होते हैं तो फिर टाइम कहाँ पे जाता है ना पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम लोग अभी घर पे पहुंच गए हैं। अब ना 12 बजने वाले हैं, वैसे 12 नहीं 11:30 हुए होंगे, मेरी घड़ी में 12 बजे हैं यानी कि 11:30। यस 11:20 हुई है और हेमल ना ऑलमोस्ट अभी नीचे है बिकॉज हमारे घर के पास डॉगी है, उसे ना मिल्क पिला रहे हैं वो। और चलिए अभी एडिटिंग अपलोडिंग का जो कुछ भी काम है वो फटाफट से फिनिश करती हूँ और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल हरिमधुल लाइफस्टाइल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। कहाँ पे रह गए, कहाँ चले गए हेमल Herimdhul, 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 Herimdhul. Deep in the shadows, I know it's hard.